าวันปฏิइंतजाम ना हो सका तो तुम्हारी माँ मर जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दो। अस्पताल में कोई जगह खाली नहीं है डॉक्टर साहब। इलाज के लिए पैसे चाहिए बेटा, अगर तुम अपनी माँ की जिंदगी चाहते हो तो पैसे का इंतजाम करो। पैसे? वो तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसे का इंतजाम करते करते इस दुनिया से चले गए। अगर पैसे का इंतजाम ना हो सका तो तुम्हारी माँ मर जाएगी। अगर पैसे का इंतजाम ना हो सका तो तुम्हारी माँ मर जाएगी।
नजात तो कभी कोई नहीं देता। एक के चार मेहरबान कदरदान लगाओ लगाओ ये दशमा खाया। एक के चार और लगाओ और लगाओ और लगाओ मेहरबान हट बचे। एक के चार गुड एक के चार और लगाओ मेहरबान ये लो मेहरबान कदरदान लगाओ 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 ज्यादा क्या नहीं। एक के चार ये एक के चार एक का दो आओ चलो लगत ना चलो एक का दो ये खेल सच्चा बुड्ढा खेले बच्चा एक का दो चलो चलो एक का दो चल बे फुट एक का दो 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 मालंदर एक का दो एक का दो एक का दो एक का दो और लगो बाबू एक का दो एक का दो एक का दो सोचने वाला कमाएगा लगाने वाला कमाएगा एक का दो 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 पर दो रुपये मालंदर चलो चलो शाबाश किसी अच्छे उस्ताद के शागिर्द मालूम होते हो। बेटे तुम ये धंधा क्यों करते हो? स्कूल की पढ़ाई के लिए और माँ के इलाज के लिए। नौकरी करोगे? नौकरी मिले तो ये धंधा क्यों करूँ? तो आओ मेरे साथ मगर एक शर्त पर। क्या? रात को ड्यूटी करूंगा और दिन में स्कूल जाऊंगा। शाबाश हमें तुम्हारी सब शर्तें मंजूर है। आओ आओ बेटा आओ अरे आओ रामदास आओ एक ऐसा हीरा लाया हूँ जिसे तुम तराशोगे तो लुत्फ आ जाएगा। बड़ा खुशियाँ नजर आता है किसका बच्चा करीब है आज से ये तुम्हारा शागिर्द अब इसे तुम तराशोगे। ऐसा तराशूंगा कि इसकी चमक से अच्छे अच्छे उस्तादों की आंखें चुभिया जाएंगी। हमारी आंखें तो अभी से चौंधिया रही है। देखा येलो एडवांस चाचा तुम माँ की दवा नहीं आएगी। वो ठीक है ये 100 रुपए क्योंकि चाचा कल से नौकरी पर आऊंगा। अच्छा बेटा अच्छा रामदास ये लड़का हमारे क्लब को किसी दिन चौधरी के चांद की तरह चमकाएगा। अब मैं रोज घर आकर आपको मुझसे लगा दिया करूंगा। आप बिल्कुल ठीक रहे चिंता करने की कोई बात नहीं। अच्छा मैं चलूंगा। राजू बेटा हेलो सर सर पता दवाई के लिए इतने रुपए कहां से लाया? एडवांस लिया मां मुझे नौकरी मिल गई। नौकरी तो पड़ेगा कैसे मां नौकरी दिन के लिए रात की है। काम क्या है मैं भी तो जानू बस ये छोटा मोटा 500 रुपए ला देना चाय पानी खिला देना। घर में भी तुम कभी अपने लिए गए कि पानी लेकर पीऊंगी अब तीन दिन में आते ही लोगों की सेवा करूंगा। मैं काम करके खाना बुरा हूँ मांग कर खाना बुरा है मगर तुम क्यों परेशान हो गए? मैं तो इसलिए कहती हूँ तेरा बच्चा है आज बच्चा है कल जवान हो जाऊंगा फिर भी अपनी सारी दुनिया का सुख लेकर तेरे चरणों में ना रख दूं तो शीघ्र ना कहूँ। ये जो तेरी आंखों में आंसू ये खुशी के आंसू में देखो मैं भी जो मेरे मेरे नाम को क्यों भाई रामदास कैसा निकला है चाचा का भतीजा सबका बाप। अच्छा देखो हाथ की सफाई तो ऐसी है कि मेरी भी छुट्टी कर दी इसने। बेटा शेखर अब मिल गया तुम्हें खेलने का लाइसेंस। लेसन तो मिल गया चाचा लेकिन फाइनेंस अरे पगले फाइनेंसर तो तेरे आगे पीछे चक्कर लगाएंगे। चलो आ मेरे साथ बैठ। अच्छा ये बेटा दिल खोल कर चलो है we
तुम्हारे जैसा कमीना नहीं कि जिस थाली में खाऊं उसी में छेद करूं। मैं कमना सही लेकिन तुम्हारी तरह चमचा बनकर किसी का टुकड़ों का तो होता है। No dance, no news, why not? Dance bhi hoga aur entertainment bhi hoga.
रिश्वत और जुए में कभी उधार नहीं चलता मिस्टर माइकल। शेखर, ये मर्द का जवान है। ये सट्टा मार्केट नहीं, क्लब है। क्लब कैश मान हो तो निकालो। तुम हमारा इंसल्ट करता है मैन। शेखर, इसमें इंसल्ट की कोई बात नहीं है मिस्टर माइकल। रोज का आना जाना होगा तो क्लब की तरफ से आपको क्रेडिट भी मिल जाएगी। हमको कोई क्रेडिट नहीं मांगता। नाइन टेन इनाम कर हम कैश लेके आएगा। सॉरी मिस्टर माइकल। अरे बाबा साहब, अरे मान गया उसका क्या हाथ मारा है। गुरु जी चाहता हूँ हमारे चुन में हो। आप तो तुम्हारे भी चुन में लाए गए लाठी। क्यों गुरु? ये सब किसका मारा? नमस्कार। वो कैसे गुरु? आंख में दवा डलाने के लिए गया था। लक्ष्मी मेरी आंख में हाथ डाल दी और मैंने उसकी जेब में हाथ डाल दिया। तुम दोनों को शर्म आई? और गुरु बहुत शर्म आई थी, बहुत शर्म आई थी ये काम करने के लिए। लेकिन मेरे दिल ने कहा, बेटा अगर मर्ज पे तस खाकर पस वापस कर देगा तो फिर चर्च का कैसे बंदोबस्त होगा? अच्छा तो ये लो, जाओ क्लब में खुद ऐश करो। गुरु दो दिन बारह होना ऐसे शुरू होता है। इसको पकड़ो भेड़ो। किस मैसेज में बात है? आपके डैडी ने कहा है दुश्मनी को भुलाकर जमाने के साथ चलने की कोशिश करो। बेवकूफ, विक्रम जमाने के साथ नहीं चलता, जमाना विक्रम के साथ चलता है। ठीक है बॉस, अभी डैडी करूं। विक्रम अपने रास्ते की रुकावट को दूर करने के लिए सब रिश्ते भूल जाता है। अब याद रहेगी तो सिर्फ बिजली चमक हमारी जिंदगी के अंदर ज्यादा बख्शी है। क्यों डैडे? मैं नाम की बिजली हूँ, आसमान की नहीं। छोड़ो मेरा हाथ। अभी हर जिंदगी पर नहीं चलूंगी। क्या मतलब? इतने भोले ना बनो शेखर, जवानी सब मतलब अपने आप समझा देती है। इतनी लंबी उम्र किसी जीवन साथी के बगैर कैसे कटेगी? तुम्हें किसने कहा है कि मुझे जीवन साथी चाहिए? मेरी बेकरार मोहब्बत ने। मोहब्बत नाम का लफ्ज तुम्हें मेरी जिंदगी की किताब में कहीं नहीं मिलेगा। जब हम दोनों आंखों में आंखें डालकर इस किताब के वर्क उलटेंगे तो तुम्हें हर सफे पर सिवाय मोहब्बत के कुछ नजर नहीं आएगा। तुमने मुझे गलत समझा है बिजली। कान खोल कर सुन लो, शेखर एक आजाद पंछी है। उसे अपनी अदाओं के जाल में फंसने की कोई भी कोशिश की तो खुद एक मुसीबत में फंस कर रह जाओगी। समझी? समझी। मैं नाम की बिजली नहीं, आसमान की बिजली हूं। तुमने मेरी चमक देखी है, कड़क नहीं सुनी। बस कर बेटे, धीरज रख, तेरा उनके साथ इतना ही सब था। इस तरह रो रो कर तो अपनी आंखों का रोग लगा देगी। अब तो मेरी जिंदगी में एक रोग है ना। पापिया ने मेरे सुहाग को आग में जला दिया, अब मेरे जीवन में रखा ही क्या? पुष्पा भैया, अच्छा किया यहां चली आई। तेरे महान के बिना से तुझे अपनी सुध में बढ़ी थी तो फिर आज कैसे संभाली? भैया, चिट्ठी में आप अपने सौगन में देते तो मैं कभी यह लाती। अगली तू यह लाती तो भैया खुद जाके तुझे यहां ले आता। राजू, राजू बेटी, तेरे भगवान ने तुझे कितनी खूबसूरत लगता दिया है। इसके सामने कम नहीं बात मत होना। अच्छा
जलाना है सुबह कर। अब जलाना। वो दे। अब ये तो डब्बा छोड़ के जा रहे हैं मैं। चेक बना क्या मजा आ गया तू? तो फिर हो जाए शुरू। अभी चला। अबे ठहर। अब बेरियार तो लेता जा। उस भैया का पैरा देना मैं अभी आया। दास दिन दास। माफ करना नीली छतरी वाले। इतना जरा कमजोर हो गया था बाप। अबे डट के पी। सेहत बना। शाबाश शाबाश। अबे क्या हुआ? अरे गुरु ईमानदार भैया लगता है दूधी दूधे पानी का नाम नहीं है। चल गया था। हमारे भैया कहाँ है? उनके तबीयत ठीक नहीं है, यह कारण हल्का भेजी। ठहरो। अरे मेरा गोटा पूरा हो गया, जल्दी आना यार, आ जल्दी। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं दीदी जी, देखी था कि सेठ जी घर पर है कि नहीं। मैं सेठ पे कौन नहीं होता। दूध डालो। है दूध तो डाले थे। अरे हमारे मैया कहाँ गए? उनके तबीयत ठीक नहीं सेठ जी। अच्छा, राम राम दीदी जी। चलो ठीक है, आप राम राम आओ बेटी। अबे भाग भैया आ गया। अबे भैया आ गया। अबे भाग भाग नहीं तो पेट का सारा दूध निकाल देगा। अबे भाग कोई साइकिल से भाग। अरे ये सब कुछ करना थी तूने। रुक, हम कौन सा दूध मत बजे से खाई गई। चलो शुरू का क्या हुआ? वो बगावत पर आमादा है बॉस। क्या मतलब? वो हमारे तमाम राज पुलिस को बता देना चाहता है। वो कहता है मैं इस गुनाह की जिंदगी से तंग आ चुका हूं। तो उसको इस गुनाह की जिंदगी से आजाद कर दो। ओके बॉस। पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नानी। मैं मानव जी का नाम शेखर और मेरी मम्मी जी का नाम। बस बस बस, मैंने तुम्हारा नाम पूछा है, सारे खानदान का नहीं। मैंने भी अपना ही नाम बताया, सारे जहान का नहीं। कुर्बान जाओ बड़े हाजी जी बोलते। जवाब तो आपका नहीं, मैं जान ना पहचान, मैं तेरी कुर्बान जान पहचान अभी करा देती हूँ। मेरा नाम है रेखा और मैं यहाँ अपने फिल्म को लेने आई हूँ। पुष्पा, कानपुर से राजू का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मंगवा लो। मेरे ख्याल में उसका यही कहीं दाखिले का फिक्र है। आप अपनी फिक्र करें मामा जी, बाहर गाड़ी में तीन मिनट लड़की आई है। कौन है वो? हाँ वो कहो तो अंदर बुला ला। बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही हाजिर हूँ। आओ बेटा, ये मेरी बहन पुष्पा। और ये मामा जी तू कौन है? ओ सॉरी राजू, तो बड़ा शरीर हो गया। मैंने तो बच्चा है। बच्चा हूँ, अखल का कच्चा नहीं। आप बैठी देर हो गई और आप अभी ऑफिस चलने के लिए तैयार नहीं है। मैं बोलो, अरे देरी होती है और तुम तैयार नहीं है। मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। राजू सुन, एक मामा से मिल की थी पत्नी। दीदी बाद में आपको दो पापी देती हूँ, एक पापी मामा जी भी दे देना। चलो मैं अपने लाल लू। चलो मुझे जहां गाड़ी ले आई है। रेखा जी, मजाक मत करो, मेरा दफ्तर जाना बहुत जरूरी है। सुनो, ड्यूटी इज ड्यूटी।
ऑफिस में तो आप रोज ड्यूटी देते हैं, कभी अपनी सरकार के दरबार में भी ड्यूटी दे लीजिए तो आपको क्या ठीक जाएगा। लेकिन कुछ नहीं, इन बेजबान डॉक्टरों को देखिए कितनी प्यार से गले मिल रही है। क्या आपके पास दिन नहीं है? मेरे दिल पे हाथ रख के देखिए, ये कब से जख्मी हुए तड़प रहा है। तो किसी डॉक्टर को दिखाइए। ये किसी डॉक्टर के बस का रोग नहीं। तो फिर किसी सर्जन को दिखाइए। अनारी सर्जन मुझे ने कहा निश्चित चुप हो गए। चलिए मैम साहब, छुट्टी कैंसिल, पुलिस जीप को फॉलो करते हैं, अपने अखबार के लिए कोई ना कोई नई खबर जरूर मिले। कमान मेरे साथ जुड़ो, मैं सब जानता हूं। मैंने पहले से ही काट रखी थी। शेर की मौत के बाद तुम्हें अकेले कैसे छोड़ा जा सकता है? छोड़ दो मुझे, मैं तो छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे यहीं कहीं नहीं भी, तुम दोनों कामी को तलाश करो, मैं यहां देखता हूं कि काम किसी को मिल जाए। मैं तो जाती हूं। उस्ताद खत्म हो गया, उस्ताद खत्म हो गया, जल्दी कराओ, जल्दी कराओ, फिर जल्दी आओ। ये
तो मतलब ये हुआ कि दो कत्ल होने के बावजूद मुलजिम का कोई पता नहीं और ना ही कोई ऐसे निशान छोड़ गए हैं जिससे पुलिस को पता लगाने में मदद लग सके। सर, इसके लिए मैंने एक तरकीब सोची है। वो क्या? वो ये कि हम अपने अखबार में इस तरह की खबर दे देते हैं कि हमारे चीफ क्राइम इंस्पेक्टर को इस डबल मर्डर का पता चल गया, लेकिन इस तरह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी, वो लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। सर, यही तो मैं चाहता हूं कि वो लोग जाएंगे और हम उन्हें गिरफ्तार कर सकें। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही छाट दिया जाएगा। थैंक यू। मैं पुलिस को खबर की देता हूं और तुम्हें शहर से काम देना। आप फिक्र नहीं करें सर, ऑल द बेस्ट। को चाय दी? जी हाँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अरे विक्रम आओ आओ भाई। अरे तुमने तो कमाल कर दिया, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आपकी क्या मदद कर देना होता है तुमने? ये नहीं। अच्छा, और तो सब ठीक है ना? भला आप कहते हो, क्या तकलीफ हो सकती है? क्या बात? जी कुछ नहीं। अच्छा, तो बिजली अच्छे बात। अच्छा, बोल रहा शेखर जी ने फॉर्म रिपोर्टर जी मेरे साथ काम करता है। हाँ, तो क्या हुआ? आज सुबह का पेपर नहीं दिया आपने? पढ़ा है? तो हाँ, तो आज मैं बस शायद उन्होंने तो छपवा रहे हैं। ये छपवा कर उसकी अपनी जल्दी से खतरे में डाल दी। बिल्कुल बिल्कुल उसे समझाने जा रही हूँ। समझ जाओ तो अच्छा है। ये कभी नहीं समझेगा। इसे कहते हैं अपने पाँव पर आग कुल्हाड़ी मारना। मैं पूछती हूँ तुझे अपने नाम के लिए खबर छुपवाने की क्या करी थी? माँ ठीक कहती है भैया, तुमने ऐसा करके मेरी की दुश्मनी मोल ली है। जब से ये खबर पड़ी है मेरा तो दिल घबरा रहा है। तुम तो यही घबरा रही है, मैंने भूख कदम उठाया, सोच नहीं कर उठाया। ये तो सिर्फ मुजरिमों को फांसने के लिए मैंने जाल बिछाया। जो किसी के लिए जाल बिछाता है कभी कभी खुद उसी जाल में फंस जाते हैं। शायद आपने ये नहीं सोचा कि इसका नतीजा क्या होगा। तुम कुछ नहीं करो, मेरी जिंदगी पर सबसे बड़ा हक इंसानियत का, और इंसानियत की खातिर अगर मैं अपनी जिंदगी से फेल जाऊं तो ये मेरी खुशनसीबी है। भैया किसी के लिए मानने नहीं रखा, तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूं। अगली खबर, शेखर हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। किसी भी तरह उससे यकीन हासिल करना पड़ेगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बॉस, उसने अखबार में खबर छपवा कर हमारे लिए रास्ता साफ कर दिया है। अब क्लू हासिल करना हमारे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन चिंगारी को शोला बनने से पहले दिला देना चाहिए। क्या बोल? यस बॉस, इस काम की जिम्मेदारी तुम अपने हाथ में ले लो। अब 24 घंटे के अंदर अंदर सच्चाई हमारे सामने पेश करो। यस बॉस। और ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारे काम नाकामी का लक्ष्य मुझा भी नहीं। तुम्हारा चमका तो मेरी किस्मत का तारा तारा बच्चा, फिर ये दुनिया तेरे पीछे घूमेगी, दौलत तेरे पैर चुमेगी और मैं आपके हाथ चुमूंगा जोशी महाराज। अच्छा भाई, पहले मुझे हाथ दिखाया, तो अपनी बिगड़ी बनाया दे महाराज। मेरा लड़का खो गया, मिलेगा कि नहीं महाराज? प्रश्न पूछने से पहले ही बाबा के चरणों में दर्शन करो, सवाल किया अभी देता हूँ महाराज। अज्ञा बेटा, इस नादान बालक पर ध्यान धरो ध्यान। अब हटा इसमें हमारा की जाल कर, अपना हाथ आगे बढ़ाओ हाथ। वाह 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 बच्चा, तुम यहाँ से सीधा पूरब की ओर चले जाओ, तुम्हें तुम्हारा बच्चा वहाँ मिल जाएगा। जोर जोर। और हाँ, अगर पूरब में ना मिले तो पश्चिम की ओर चले जाना, अगर दोनों ओर ना मिले तो अपने पैसे वापस ले जाना। महाराज पैसे वापस दे। चुप नहीं रहा तुझे, नहीं मैं इस दुखी प्राणी को कह रहा था जो कि अभी और दुखी होगा। जब बच्चा या हाथ का हर काम सब गारंटी से होता है, जल्दी चला जाए नहीं तो पश्चिम का मोरक चूक जाएगा।
पश्चिम के प्रस्थान करो महाराज, अब हमें अपने दिल का हाल भी सुनाने दो। महाराज जरा मेरे दिल की हालत तो देखो, सरसों के लोग तीर बन के मेरे दिल में चुप रहे। महाराज निकालो, महाराज निकालो। बाबा एक पैसा दे। महाराज पूरा बाला पश्चिम की ओर आ रहा है। किसको महाराज, किसको? जोशी महाराज, मेरा पर्स पकड़ो, पकड़ो मेरा पर्स लेके भागा। पाकिट मार, पाकिट मार, पर्स लेकर महाराज, महाराज ज्योतिष महाराज मेरा पर्स। खाने के लिए गले पड़ रहे ना, कौन सा पान भैया? मेरा बड़ा भाई है, उसको छोड़ दो। हमारी मेहनत की कमाई भैया, सुबह से काम करना है क्या? नंबर शुरू कर दो और हमारी घोड़ी भी ले लेगी। इधर इधर घोड़ी भी मिलेगी और घोड़ा भी अंकल के अंतर्गत पाकली। अरे गुरु आदम बाबा के कबाब पूर्णिमा के पान बहुत मजा आएगा। शाम को मिलते हैं। अरे महाराज क्यों गुरु, मजा आ रहा ना शराब का, कलमिया के कबाब का? पहली बार की है वाक्य। इंग्लिश का भी बाप, अपने को तो अभी तक सनकती नजर आ रही है, अपने को भी हो गई है। होश में रहो, आज का काम जरा टेढ़ा है। अरे अपन बिंदास है यार, फिक्र मत करो। लंबू यहां से निकला तो अपने हाथ से बचना मुश्किल है। सारा इंतजाम हो गया है। किसकी बात कर रहे हो? अरे अभी तो बच्चा है, ये तेरे बस का काम नहीं। लगे बेटा ये काम मेरे को अपने बस पे लगे। अच्छा भाई अपने को तो हो गई। अरे तो अरे बड़े भाई दिल पेड़ हो चुका है, मतलब दे चुके हैं। अभी तो बाबा का माल तो मुझे पीते ही जाओ बिंदास। अच्छा ले लो, चलते हैं। वो जल्दी मेरे हाथ में लग जाओ। हाथ मिला भाई। अरे हाथ तो छोड़ा कमा दिया। चला फिर माफ करना, फिर को हो गए ना उतार के आता हूँ। अरे बच्चे संभाल के छोड़ना, कहीं गिर गिराना जाए। सुनो अरे मुझे तकलीफ मत करो, संभाल संभाल। अरे हेलो एशियन क्लास। हेलो मैडम, प्लीज जरा शेखर बाबू को बुला दीजिए प्लीज। किसका टेलीफोन है? सर शेखर बाबू का टेलीफोन। कब है? बिजी है। हेलो माफ कीजिएगा, मैं इस टाइम बिजी है। जी बिजी है क्यों? रेखा दीदी को टेलीफोन करता हूं। हेलो रेखा दीदी, मैं जयपाल बोल रहा हूँ। शेखर बाबू की जान खतरे में। क्या? तुम फौरन एशियन क्लब पे पहुंच जाओ। हाँ क्लब के बाहर में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं अभी आती हूँ। रेखा कहाँ जा रही हो? दादी वो अभी भी मेरी सहेली का फोन आया था, वो आज जाके प्लेन से लंदन जा रही है, मैं अभी उसे सीआफ करके आती हूँ। तो ड्राइवर को साथ ले जाना मेरे। ओके डैडी। जानते हो हम तुम्हें घर क्यों रहे हैं? शायद कोई रिश्ता तय कर लूंगा। अब तुम सच से बता दो कि मर्डर का कौन सा राज है तुम्हारे पास? अब तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी है। मुझे तो एक चीज ईश्वर ने अपने हाथ में रखी है। कर दे पूरा, जरूर खुलेगी। मैं तुम्हारा सारा जिसम छलनी कर दूंगा, उनका एक पतरा भी बाकी नहीं रहेगा।
लोगों मेरे किसी से बहने वाला खून अभिमान क्या क्यों हो मान क्या कौन तो कह देना कि रात के खाने पर मेरा इंतजार न करें। यही है शेखर जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था। इन्होंने अपनी जान खतरे में डाल के कातिल को गिरफ्तार करवाया है। नमस्ते। जीते रहो बेटा। वाकई तुमने तारीफ के काबिल काम किया है। तारीफ की दरअसल रेखा की दिनचर्या जिसने वक्त पर पहुंचकर मेरी जान बचाई। मुझे तुम दोनों पर ही फख्र है। फख्र करने से काम नहीं चलेगा जैजी। तुम चिंता ना करो बेटा, मैंने पहले से तुम दोनों की कामयाबी पर एक शानदार दावत देने का इंतजाम कर रखा। थैंक यू डैडी। अच्छा तुम जाओ और शेखर के घरवालों को दावत दो। मेरे भी कुछ दोस्त शेखर से मिलने के लिए बेकरार। जानते हमने तुम्हें यात्रा बुलाया है। हो गए इसलिए कि बाकी जोर जेल की सलाह सुनने को जरूर पड़ी। हम तुम्हारे दूर उद्देश्य की बात देते हैं। आज तुम्हारी बहादुरी और वफादारी का आखिरी इम्तहान है। तुम तुम्हारे से गुजर रहे हो तो मेरी जिंदगी है। आज रात को दीवान साहब के यहाँ शेखर और रेखा की कामयाबी पर दी जाने वाली पार्टी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरी ये क्या हकल है बस? दीवान साहब की पार्टी शराइयों की गूंज से शुरू होकर मुरादों के मध्यम सुरों में शेखर की जिंदगी के साथ था। नमस्ते। बैठे की बीवी यहाँ कैसे? जब आप नहीं जानते ये तो शेखर की बीवी है। जी जी बैठिए। आइए बैठ। जी मेरी दादी। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीवान जी। रेखा आपकी बेटी है? हाँ भाभी, मुझे भी आज रेखा से पता चला कि ये शेखर आपका बेटा है। आओ जाओ, आज तो हर बात से अपने आप। मगर बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन पर पर्दा पड़ा ही नहीं तो अच्छा है। क्यों दीवान साहब? ये रेखा देवी ने दीवान साहब को देखी। रेखा दफ्तर में काम करती है। बंसी देवी इन्हें नहीं पहचाना? दीनानाथ की बीवी। अरे अपने शेखर की मां। आप हैरान क्यों हो गए अंकल? बात ही कुछ ऐसी है, मैं तो सपने भी नहीं सोच सकता था कि तुम दीनानाथ के बेटे हो। मां, अगर अंकल मुझे सहारा न देते तो शायद आपका सहारा मेरे सर पर न होता। इम्तियाज खान ने मेरा सर झुका दिया मां। मगर तुम्हारी बहादुरी के कारनामे सुनकर मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया है। और ये जानकर कि तुम दीनानाथ के बेटे हो, मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है।
अब तुम पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी बेटे। हाँ रखना तो हमारी ड्यूटी है। नमस्ते ऑफिसर। नमस्ते एस पी नाम। हेलो दीवान साहब, बहुत देर कर दिया। अगर मैं गलती पर नहीं तो आप दीनानाथ की बीवी हैं। जी हाँ, ये मेरी माँ जी हैं। दीनानाथ की मौत के वक्त मैं ही इंक्वायरी पर था। मुझे याद है आपने ये भी कहा था, किसी पर शक हो तो बताइए। बेशक, मैं तो कहता हूँ अब भी सबूत मिल जाए तो ये केस रीओपन हो सकता है। केजरीवाल साहब जी, जो पुलिस वाले दाग केस तो आप ही जाने। हम पुलिस वालों के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं, ना इनकी दोस्ती अच्छी ना इनकी दुश्मनी अच्छी। मालूम होता है पुलिस की बिजली आग पर गिर चुकी है। बिजली तो अब गिरेगी बिना, देखें किस पर गिरती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मिस बिजली अपने नाच और गाने से इस पार्टी की खुशी को चार चांद लगाएंगी। मिस बिजली। जब I'm not afraid.
मुझे तुम्हारे साथ खबर नहीं है। मुझे जाने दीजिए साहब, वरना मुझे फरार हो जाएगा। जाएगा कहां भागकर? उसका एक आदमी तुम पहले गिरफ्तार करवा चुके हो। आओ मेरे साथ, उसे मालूम करते हैं। अजय इंस्पेक्टर केवल सर, जब्बू के साथ यहां पर मौजूद था। एक ही मिनट सर, उसका मतलब है उसके पीछे किसी बहुत बड़े गर्व का हाथ है। शिखर जी सर, उसका भाग जाना तुम्हारे खतरनाक साबित हो सकता है। बीते हुकूम तुम्हें अपने आप को होशियार रखना होगा। होशियार तो नहीं रखते सर, कानून के हाथ बहुत लगते हैं। ठीक है, तो बचकर जाएगा कहां? नाम बताने की मनत नहीं थी। जग्गू ने ठीक ही बताया, मगर अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा। अंकल, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, एक आसान उत्तर कर दो, मुझे ये बता दो कि मेरे पिताजी का कातिल कौन है। तुम मजबूरी करते हो तो सुनो, तुम्हारे बाप का कातिल है। को 12 बजे शराब पी के मेरे घर आने की फुर्सत थी। तुम्हें क्या हक था जो तुमने मेरे बेटे का सामान पिटाकर हाथ उठाया? वो कौन सा था सामान है तुम्हारे बेटे का सामान पिटा नहीं करते? जी चाहता है तुम्हारा मुंह लोच लूं। और तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? बाप बेगुनाहों की गर्दन मारता है और बेटी सच्चाई की जबान। मुझे तुम्हें सुनने से ना था। शेखर, मैंने सुना है कि तुमने शराब पीना शुरू कर दिया है। दुनिया गरीबों का खून पीती है, क्या मैं शराब भी नहीं पी सकता अंकल? मैं तुम्हें शराब पीने से नहीं रोकता बरखुरदार,
मगर ये सोच लो कि जहां शराब और शबाब दोनों मिल जाए वहां तबाही और बर्बादी के सिवा कोई नतीजा नहीं निकलता। अंकल आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, शेखर एक ऐसी चट्टान है जो ना तो शराब की मस्ती से झूम सकती है और ना शबाब की गर्मी से पिघल सकती है। आप मुझे भरोसा रखिए। That's good. अरे तुम देख मारो मैं खास खबर लेके आया हूँ, आज भारी लोगों का इस मुगलिंग का माल आने वाला है। जयपाल खबर पक्की है नहीं? अरे करो सौ की दस्ती ढेरी, चलो कोई मिलके अड्डे पर और करो खबर पक्की। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? चलो अरे चलो बाप चलो अरे चलो 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 बत्ती चार रास्ता। ये राजकमल के पिक्चर का नाम नहीं है, ये तो कोई मल का कोड वर्ड है। मतलब समझाता हूँ समझाता हूँ, नीली बत्ती लाइन क्लियर नो फियर, पीली बत्ती होशियार खबरदार, लाल बत्ती खतरे का इशारा यानी कि हो जाओ नौ दो ग्यारह। और ये चार रास्ता ये भी समझाता हूँ, आधा पीछे पीछे आओ उस्ताद। गाय का दौर चला रहे हो ना तो ये पहला रास्ता, और चरस और गांजे की चलन खिंचनी हो ना तो ये दूसरा रास्ता, और एक के घर बनाने हो ना तो ये तीसरा रास्ता। मैं चला बाहर चरस पलट के बच्चे हमें चौथा रास्ता चल रहा था। हाँ वो तो चल रही है चौथा रास्ता तो बंद उस्ताद, मजाक नहीं तुम रहा मेरे वो उस्ताद जी गए वो रास्ता मुझे जाता है लपको लपको। अरे नको ना कुछ लगाए तो धंधा करके कहीं लग जा रहे। अच्छे तो मैं कुछ लगाता हूँ। कौन है ये? अरे घबरो मत सेठ कहो या पल का भिड़ो 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 सब की बत्ती ढीली कर बोलो आराम से चलो। क्या मान तीस खबरें सुना दो अपनी खबर पकड़ी। अब जल्दी से जल्दी माल पकड़ने का इंतजाम करना चाहिए। अभी तो क्या खबर ले गए हैं वो लोग पैसा समय
السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ بکرم. جی ہاں، خادم کو اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے. خدا کی قسم، انتہا کوششوں کے بعد صحیح انسان سے ملاقات ہوئی. میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں شیخ صاحب؟ خدمت کرنے کا موقع تو آپ ہم کو دیجیے، جس کے لیے ہم حاضر ہوئے. سونے کا بسکٹ. میں آپ کا سب مطلب سمجھ گیا. بندہ آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہے، مگر حصہ 50-50 مجھے منظور ہے. لیکن رب العزت کا قسم، بات تینوں میں رہنا چاہیے. تیسرا کون؟ اوپر والا. خدا حافظ. خدا حافظ. کام بہت خطرے کا تھا، اس لیے شاید شیخ نے تمہیں پہلے سے کچھ نہیں بتایا. کیا کہنے میں کسی خطرے سے ڈری ہے؟ تمہیں تو کسی بات کا خطرہ نہیں، مگر ہمیں تم سے بہت خطرہ تھا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر تمہیں بتایا جاتا تو یہ اسمگلنگ کا کیس کبھی بھی نہ پکڑا جاتا. کیا میں اسمگلروں سے ملی گئی تھی؟ یہ تم کہہ رہی ہو جبکہ تمہارا بات ایک اسمگلر ہے. شیکھر. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں شیکھر. تمہیں کوئی بھی غلط بات نہیں کہنی چاہیے جب تک کہ تم ثبوت حاصل نہ کرو. جس الزام کی بنیاد ہی نہ ہو اس کا ثبوت کیسے مل سکتا ہے؟ اس کیس کا پکڑا ہونا ہی ثبوت کی پیدی کریے، اور بہت جلد تمہارے پتا جی کا اصلی روپ جنتا کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. میرا مطلب ہے آپ لوگ اندر بیٹھ گئی، جیسے وہ آئے گا میں بگڑا دوں گا. تمہارا دماغ تو خراب نہیں. چلو. ارے استاد. تھوڑے لوگ استاد چلن ہے. اب چلن نہیں غم ہے. تم نہیں سمجھے گا جب استاد سمجھتے کہ میں تو بچہ ہوں. کیا بولا؟ میں بولا تھا استاد بچے لوگ بہت شانے ہوتے ہیں. تو بیٹا تھوڑی شان کی اور دکھا دے. آج میں تیری ہونے والی بھابھی، اس سے آج میں ضرور ملنے والا ہوں. بنے گی تب نا. بنے گی، ضرور بنے گی. تو تھوڑا چکر چلا دے. کنکیٹ نمبر آپ کا چکر چلا چلا تو بیٹا کیونکہ چلا دوں گے. تو جا میونسپالٹی کے ڈبے میں. ارے ریشم کی ڈوری، گنے کی پوری، تجھے جس کا انتظار ہے وہ کسی اور کی جیت کا شکار ہے. ہاں مر گئی. ارے مرے تمہارے دشمن. مجھے شاپنگ کون کرائے گا؟ مرد مانگے آتا اس کا آٹے میں بھی گھاٹا، عورت مانگے پیڑے اسے دینے والے بچے ان میں سے ایک ہندی ہے. تم دے کر کے میرے دل کے بنگلے میں چلے آؤ. ابھی تو تم بچہ ہے. تجھے مل جائے تو سمجھو مثال اچھا ہے. کہاں؟ نہیں جہاں کوئی آتا جاتا نہیں. ہاں مجھے کسی اور نے دل کون دے گا؟ دل تو ہم نے دیا ہے. بلا دے کسی کا. اب بھی دے دوں گا. اگر ابھی دے دے تو گرو کا بھی بھلا ہو جائے گا. اب بھی دے دوں. کیسے دوں گا؟ گرو کے مال کے اوپر ہنسا کرو تو باقی جیسے دشمنوں کے کام آئیں گے. چلو اب جلدی کرو اور اپنے ہاتھ سے ہاتھ روک کر میرے گلے میں ڈال دو. رہی ہاتھ تم اپنے بہن کو ہر تمہارے گلے میں ڈالیں گے. اصلی ہر کل آج اپنی جیب خالی ہو. چلو ہر میں 420 سے پینسل جانتی تھی، اس لیے سیفٹی کے لیے میں دور
बाथरूम लाई हूँ वो देखो। दूसरा बाथरूम सेफ्टी देखना गुरु, ये होता है तिरिया चरित्र। अब भाई तूने अभी तिरिया चरित्र देखा है, अब तू जरा मर्द चरित्र देख, धोखे रख देता हूँ। हाँ भाई हाँ। एक और दस का पांच का। अरे ये तो परनोट है। परनोट ना पढ़ता हूँ। क्या जैसे पढ़ा? शाम को 6 बजे शीशमाई के खंडे में पहुंच जाओ। नंबर दो, नंबर दो। ये तो उत्साह के काम की चीज है। तो चलो 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 चलो। अरे क्यों ऑफिस वालों की छुट्टी कर दी क्या? अरे लाटरी ऑफिस वालों ने मेरी छुट्टी कर दी। ओहो मुलाश हो रही, कौन सी बात है? तुम्हारी सेहत ठीक होना मानता, नौकरी में तुम्हारी मुझे बहुत पड़ेगी। आज की ताजा खर्च करो। शीश महल के खंडर में शाम के 6 बजे पहुंच जाओ। नंबर दो। चलो। अरे गुरु ये गड़बड़ हो गई, आप शाम को तो राजू को बैठे। अरे एक घंटे भी लौट आएंगे। तू चल 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 चल। अरे कैसे 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 कैसे। अरे अरे बच्चे को नहीं चाहता था। चल 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 चल। राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट मेरे मनवा। हरे राम जप ले हो श्री राम जप ले, हरे राम जप ले हो श्री राम जप ले। लो बाबा। बेटे हम कुछ लेने नहीं तुम्हें कुछ देने आए। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ, आपको कैसे मालूम? दादू बाबा सब कुछ जानते हैं, इसीलिए तुम्हें आशीर्वाद देने आए। तुम आज से शाबाश। लो तुम भी लो आओ।
के थे कितने डाल रहे लोग तो समाधि मार के बैठे वाला बात उसका मुझे तो कुछ दाल में काला नहीं लगा है। अबे मुझे तो अच्छी दाल खाने लग रही है, हंडी जलेगी। लातों की भूत बातों से नहीं लगवाते। बोल कौन है तुम? मारो और मारो। बोल जितना तुम मुझे मारोगे उससे ज्यादा मैं तुम्हारी भांजे को पड़ रही होगी। भांजे को क्या पकते हो तुम? ठीक पकता है। वहां से तुम्हारे भांजे को लाने के लिए ही प्लान बनाया था। तुम दोनों तो उसकी बात ले चलो मिथ्या और आप फिर भी इतनी देर से आए। राजू कहाँ है? अभी तो यही था, मामा ने एक लड़की आई थी उसके साथ बाहर गया है। एक लड़की आई थी? लेकिन मैंने लड़की के साथ राजू तुम्हें तो जाने पड़ गया। अब ढूंढो उसे। बाहर देख बच्चों के साथ खेलता हुआ। तो घबराती क्यों है शेखर? राजू को पता चला? नहीं, अब तो हो गया तुम्हारा कलेजा चुंदू। अब तो मिल गई तुम्हारे अखबार के लिए एक नई खबर। मेरे और काफी लोगों ने पिताजी की जान ले ली, तुम्हारे बहनों का मौत के लिए सुना दिया। ले दे के एक ही मेरे सफा की बिछाई वो तुम्हारी करतूतों के नजर हो गई। मैं कर बोझ तो किसके लिए अब मैं किसे राजू कहकर बुलाऊं? अब कौन आएगा मुझसे प्यार लेने? मेरे बच्चे मेरे राजू, न जाने क्या बीत रही होगी तुझ पर। मैं कभी बच्चे चुप हो जाए अब तो बहुत ही चुप कराएगी मुझे। खड़े खड़े देखते क्या हो? ले आओ मेरे बच्चे को या जहर ला दो मुझे थोड़ा सा।
नसीब तो ऐसा हो माँ कसम। अब तुम्हें झगड़ा आगे ना भी होगा तब। अबे किस गे के पेटे पीटे मेरी इज्जत का भाजीपाला करता है। क्या करूं साहब, बहुत जोर से तलब लगी है। अबे सबर से काम ले, सबर से काम ले। मैं तेरे लिए सिगरेट का खपा भी खरीद दूंगा, चल मेरे साथ। अरे सब सर क्या हुआ? वो देखो तुम्हारी छिपकली। छिपकली? समस्या कुछ गंभीर है बच्चा। अबे लाठी हाँ बोलो, ये खिलौने किसके लिए खरीद रही है? गुरु अपने बच्चे के लिए खरीद रही होगी। अबे उसकी तो शादी नहीं हुई। तो क्या शादी पहले बच्चा नहीं हो सकता? क्या कहो? अरे वो तो जा रही है। अरे भाई बड़े बड़े टैक्सी के बीच चलाओ, उसके पीछे नहीं भाई। धूप खुदा होकर भाई जा जा ना, जरूर राजू के लिए खरीदे होंगे। चल के उस्ताद को बता दें। चलो 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 माजी। ओ माजी, शेखर किधर गया? रात भर राजू की खोज में लगा रहा, सुबह आया और कपड़े बदल कर चला गया। किसी से बात तक भी नहीं। किसी से बात तक ही नहीं की रहा तो फिर किधर गया होगा? उधर गया होगा। अच्छा भाई नमस्ते, मैं जाता हूँ, बहुत जल्दी लाऊंगा। अच्छा किसके बच्चे की बात कर रहा? अपनी बहन के बच्चे की, जो किसके सुहाग की आखिरी निशानी है। लेकिन मेरा उससे क्या वास्ता? मैं अपनी भांजे को लेने आया हूँ और उसे लेकर ही जाऊंगा। पहले मैं सिर्फ स्मगलर, बदमाश और कातिल ही था, अब मैंने बच्चों को उठाना भी शुरू कर दिया। अरे चाहिए रखकर तुम्हें हर हाल छोड़ता हूं, जो भी बदला लेना चाहते मुझसे लो। मगर एक मासूम बेकसूर को छोड़ो, मेरी बहन अपने बच्चे के दुख में पागल हो गई है। बच्चे को मार के विदा न करो, उस पर रहम करो, उस पर रहम करो। शेखर बेहतर तो यह होगा कि तुम यहां से चले जाओ। कानून के हाथ तो सबूत के बगैर मजबूर हूं, लेकिन मेरे नहीं। अरे ये क्या करते हो बाप? कानून का हाथ में मत लो, मैं छुपे का पता लगा क्या बाप? खोज मत करो, जल्दी करो, जल्दी करो। जरूर ये किसी गलतफहमी का शिकार है, इसे किसी ने बहकाया है। आप कुछ कीजिए ना डैडी। माता जी तकलीफ मानो, अभी माता जी गुरु
सुपरिंटेंडेंट पुलिस बंबई श्रीमान जी, मैं इंस्पेक्टर राजेश जिंदा हूँ। जालिमों ने मकान को आग लगाकर मुझे तो मार ही डाला था, तकदीर ने बचा लिया। सारे गुनाहों का अड्डा एशियन क्लब है, मैं वहां जा रहा हूँ। आप मेरी मदद के लिए फौरन पुलिस भेज दीजिए। इंस्पेक्टर सक्सेना। यस सर। आप 3 इंस्पेक्टर लेकर जूरी के साथ जाइए, सिविल ड्रेस में, एंड डू द नीडफुल। ओके सर। और सुनो। यस सर। थोड़ी देर बाद मैं भी वहां पहुंचता हूं। ओके सर। अंकल शेखर, क्या बात है, आपने जिंदगी में पहली बार मुझे बेवकूफ किया। जिंदगी में पहली बार आज हमारे क्लब का दिवाला निकल रहा है। क्या कह रहे हैं आप? माइकल करीब सुबह से 50,000 रुपए जीत चुका है और अब इसी तरह से उसकी किस्मत में साथ दिया रहे हो। आजकल किस्मत शेखर का साथ दे रही। तो देर मत करो, रामदास को उठाकर खुद बैठ जाओ माइकल के सामने। मैं तुम्हारी मदद के लिए बिजली और विक्रम को भेजता हूं। गुड लक माय बॉय। माइकल। अल्लाह शेखर, तुम किधर होता? हम आज कैश मार लेके आया, मेरे बहुत तलाश किया हमने। हम हाजिर हैं मिस माइकल। बैठो। Thank you.
बेलंदा से चुटी करता है शाला शाला किसको बोलता है पीके जितेंद्र जी हाँ आप जिंदा हैं हाँ शेखर मैं जिंदा तुम्हारे पिताजी के खून को गिरफ्तार करने के लिए मुझे सब रूप बदलने पड़े मेरे पास सारे सबूत हैं शेखर कि बंसीधर तुम्हारे पिता का खून है Thank you.
बंशीधर, अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, तुम्हारे तमाम राज खुल चुके हैं, दुनिया से छुप कर तुमने जो खून किए हैं आखिर वो रंग लाकर ही रहे। ये झूठ है, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। किसी को नहीं मारा? पहचान लिया, ये वही दीनानाथ जी हैं जिन्हें तुमने जहर देकर मार देने की कोशिश की थी। याद करो, याद करो वो दिवाली की रात। बंसीधर को जो धोखा देने की कोशिश मत करो, अब भी और किसी वक्त मेरे हिस्से का रुपये देकर मुझे ट्रक से अलग कर दो। दीनानाथ, तुम हिसाब नहीं देता, ऊपर से वापस जमाता है। निकाल मेरे, कल सुबह आप आइए, आपका हिसाब चुपका कर दिया जाएगा। लेकिन दिवाली के दिन आपको बिना मुंह मीठा किए नहीं जाने दूंगा मैं। हाँ रामदास, दो गिलास शरबत ले आओ। बैठो भाई, अब गुस्से में थूको और बैठो। मौत हो गया दीनानाथ। यार तुम तो खामखा नाराज हो जाते हो, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी वक्त आ जाइए और लीजिए दीनानाथ जी। और दूसरा सबूत, तुम्हारे हर जुर्म में बराबर की पार्टनर, जिसने एक बाले जुर्म करके तुम्हारे हर गुनाह का पर्दाफाश कर दिया है। तुम दीनानाथ के कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगा नहीं सकते, दीनानाथ सामने जिंदा खड़ा। और कुछ सबूत चाहिए तुम्हें? ले जाओ उसे। तुम जल्दी आओ, यहां सब उसके पोल खुल गए। जल्दी आओ, आप जल्दी आप जल्दी आओ ना। तुम और तुम सालों की? हां दीवान साहब, आप तो इसको सिर्फ एक किराएदार की हैसियत से जानते हैं, जो कि हर महीने अपना किराया टाइम पर अदा करता था, लेकिन इसका असली रूप यह है। माफ कीजिएगा दीवान साहब, मैं आपको पहुंचा ना सका, वरना चेक तो इस बात अभी तैयार है। कह रहे हैं या क्रॉस ऑर्डर, हलदार जरा संभाल के। राजू तुम्हारी डैडी। जीते रहो बेटा। माफ करना दीवान साहब, मैं अनजाने में न जाने आपसे क्या कुछ कह गया। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं बेटा। भाभी जी, आज मैं दो परिवारों की दोस्ती को रिश्ते में बदलना चाहता हूं। लो बेटा, ये तुम्हारी अमानत। भाई मुबारक हो दीवान साहब। थैंक यू। भाभी जी आपको भी। गुरु, इन लोगों के रास्ते तो वही गए था, अब हम लावासों का क्या होगा? अरे क्या बेवारसी बात करता है भिड़ू, देखता नहीं है मुझकी घर में चेक से पढ़ू। गुरु पढ़ ले गुरु। हाँ लगता है बहुत बड़ी रकम है, मेरे को पढ़ने को ही नहीं हो रहा है। तो फिर जनता से पढ़ा ले, जरा भाई लोग पढ़ लेना, अपने धंधे का भी दी है।